नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और नेता प्रतिपक्ष की जो मांग है वो लगातार चल रही थी, जिसको लेकर के आज जिस सदन के बाहर बीजेपी का एक धरना प्रदर्शन भी हुआ। वहीं सीपी सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भाषा विवाद चल रहा है इस सरकार द्वारा ही प्रायोजित है, और सरकार ने जो जवाब दिया है वो भी गोल मटोल दिया है, कोई सही जवाब तो दिया नहीं। दूसरा जो प्रश्न किया है कि बीजेपी का जो सरकार था उस समय आया, भैया कोई सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो या किसी का भी सरकार हो, इसमें सरकार का कोई मामला ही नहीं बनता है, ये मामला सीधे स्पीकर से बनता है। मैंने आज माननीय स्पीकर महोदय से ये कहा कि माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर जेबीएम का 3 सदस्यों के लिए समय आवंटित किया है। पिछले राज्यसभा चुनाव में माननीय बाबूलाल मरांडी को जब भारतीय जनता पार्टी का दिखा करके वोट देने का अधिकार दिया गया, दूसरी बात कि माननीय प्रदीप यादव जी कांग्रेस के उपनेता हैं, एक तरफ कांग्रेस के उपनेता रहेंगे और जेबीएम तो एक एक व्यक्ति दो दल में रहता है क्या? तो मेरा ये कहना है कि ये सारा का सारा अधिकार स्पीकर का है। यदि सबका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं स्पीकर होता चाहे कोई रहता, मेरा अधिकार था और मैं अपने अधिकार का विवेक का कानूनी सलाह लेकर इस मामले का हल 1 महीना के अंदर कर देता, ये 26 महीना नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि सुनवाई तो डे बाय डे हो रही है, अरे भैया लांछन लगाना की सरकार नहीं, नहीं कोई नहीं लांछन लगाने का कहाँ सवाल है भाई, नियत का सवाल है, बस नियत ठीक होना चाहिए। एक स्पीकर को न काहू से दोस्ती न काहू से बैर पर चलना चाहिए, जब ऊंचे आसन पर बैठे हैं तो उनको न्याय देने का काम है और न्याय होना चाहिए। सीपी सिंह भी स्पीकर के समय, आपको पता होगा, खाली याद दिला देता हूँ कि जब सीपी सिंह स्पीकर हुआ करता था, यही हेमंत सोरेन का मामला था उस समय, तो मैंने जो न्याय दिया, हो सकता है उस समय हमारे दल के लोगों को तकलीफ लगा होगा, लेकिन मैंने उस समय न्याय किया और आज भी गर्व से कहता हूँ कि मेरे न्याय को लोग समादर करते हैं, आदर करते हैं। तो आपने यहाँ पर सीपी सिंह को सुना कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब मैं स्पीकर था उस वक्त शायद मेरे दल के लोगों को मेरा निर्णय पसंद नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आज के डेट में स्पीकर रहता तो जो ये नेता प्रतिपक्ष की जो मांग है वो मैं 1 महीने में पूरी कर देता, ना कि 26 महीने लगाता। तो ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कब तक नेता प्रतिपक्ष का जो विवाद है वो चलता रहेगा और कब तक नेता प्रतिपक्ष मिलेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।